पहले 40 साल पहले जब आप आए थे, 45 साल पहले, तो ऐसे ये शिकारा होते थे तब भी? तो आपको मैंने बताया था ना, अपना प्लान हो रहा है भाई दिल्ली से लंदन जाने का, तो दिल्ली से यहाँ तक तो आ गए, अब लंदन कैसे जाएंगे? ऐसे अब हम भी कोको को उड़ाने वाले। कांड होते होते बस बच गया, भगवान का शुक्र है। ओ भाई क्या किया था इसने अभी? पानी में छलांग मार दी। लेकिन सबसे मेन चीज जो यहाँ से दिख रहा है, डल लेक है। पापा बढ़िया एक्सपीरियंस, बढ़िया मजेदार है ना। रोड क्लोज्ड, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, ये बेचारी भी क्या करेगी। कहा जा रहा है अब? दो बंदे हमेशा आपको बनियान में नजर आएंगे, पापा और समीरन। और ये देखो भाई, सही बात है, बचपन बुलाया नहीं जाता। क्या बोलते हैं? और ऐसे वो देखो पेंट लगा के आया। सबसे मेन चीज दाना तो है नहीं चिड़िया को डालने के लिए, तो पापा ब्रेड डाल रहे हैं। मंगाई अपने लिए थी, खा चिड़िया रही है। आ भी रही है खाने? वो तो वैसे मैं भी बनैन में ही, लेकिन इसको बंडी कह लो बनैन कह लो, लेकिन थोड़ी कलर्ड वाली हो गई ना, थोड़ी थोड़ा महंगे वाला, थोड़ी महंगी। इसलिए इसको ये बनैन में नहीं आती। जो व्हाइट वाली होती है ना, वो उसको बचपन से बनैन कहते हैं, लेकिन ये वाली थोड़ी बंडी टाइप में हो गई ना। सैंडो सैंडो पहनी हुई है, पता ही नहीं चलता मिलता कहाँ है। ये ऑनलाइन मिलता है। अच्छा। बाकी अभी का सीन क्या है, आज है हम श्रीनगर में, अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी होगी, और आज हम यही रुकने वाले हैं क्योंकि पापा भाई 10th में लास्ट आए थे, उसके बाद आज आए हैं, तो थोड़ा बोटिंग वगैरह करेंगे, थोड़ी आसपास की जगह को एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद कल यहाँ से निकल जाएंगे। अभी आगे लेक ले जाएंगे या वापसी जाएंगे वो कल का कल ही डिसाइड करेंगे, आज के दिन को यहीं पे एंजॉय करेंगे। कोको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये तो नहीं बोलेगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल रहा है। ओ तू भी बोला, तेरे मुंह से कैमरा हटा ली तो बोलने लग गया गुड मॉर्निंग। अच्छा उसकी बोलू क्या? हाँ पास आके बोलेगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पापा ये ना, ये चिड़िया साथ ही चल पड़े हमारे दिल्ली। ये बढ़िया आदमी है, बहुत खिलाता है। टाइम देखो 10:41, और हमारा प्लान था कि 10 बजे पूरा निकल जाएंगे, और आज पहली बार ये देखो सबसे ज्यादा लेट लतीफ कौन है भाई? पापा। हाँ ये देखो पापा का बैग भी खुला पड़ा है, ये शर्ट पड़ी हुई है, पगड़ी बांध रहे हैं। नहीं तो हमेशा पता क्या होता है, पापा सुबह सुबह सबसे पहले तैयार हो रहे थे, और हम रहे थे, और हमें कहते चलो चलो जल्दी करो, लेट करो लेट करो। आज हम पापा को कह रहे पापा जल्दी करो यार, लेट हो रहे हैं यार, कैसे निकलेंगे। और आज हमारा लाइट नहीं है, और हमारा प्लान क्या है ना, आज भी यही रुकने का था, लेकिन हम होटल चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ना मजा सा नहीं आ रहा, लाइट नहीं होती है, फोन चार्ज नहीं होते, लैपटॉप चार्ज नहीं होते, नेटवर्क पूरे आ रहे हैं, वाईफाई है इनके पास अच्छा, लेकिन लाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से सारे काम रुक जाते हैं, इसलिए हम होटल चेंज करके डल लेक के पास ले रहे हैं। ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, आस पास की लोकेशन बढ़िया है। ये देखो यहाँ पर नीचे कैफे बना हुआ है, और सामने की लोकेशन एक नंबर, शाम को यहाँ पर लाइट वाइट जला देते हैं, मतलब बढ़िया लगता है। लेकिन जहाँ पर अपनी जरूरत की चीजें पूरी होंगी वहां पर रुकने का फायदा नहीं, इसलिए आज हम होटल चेंज कर रहे हैं, पहले सामान पैक करके लेकर जा रहे हैं दूसरे होटल में रखेंगे, फिर वहां से जाएंगे बोटिंग वगैरह करने के लिए, जैसा भी होगा देख लेंगे। गाड़ी गंदी भी कितनी अच्छी लग रही है, सुंदर तो लगती है साफ हो तो, लेकिन गंदी भी अच्छी लग रही है। ये बड़ा सही एग्जांपल दिया है, अपने बेटे का नाक भी बाहर निकल रहा है ना, तब भी अच्छा लगता है, बेटे का नाक कितना अच्छा निकल रहा है, वैसा ही है गाड़ी भी हमारी है ना, तो कितनी अच्छी लग रही है। भाई अभी जो हमने अपना नेक्स्ट होटल करा ना, आप देख लोगे, मतलब ऊपर जो उसका रेस्टोरेंट है ना, वहां से पूरी डल लेक दिखती है। पहले मैंने आमिर भाई को बोलता कोई ऐसी होटल कराना, लेकिन जब कल हम आए थे यहाँ पर ना, अमरनाथ की यात्रा चल रही है, तो बहुत सारे बंदे आए हुए हैं, तो होटल मिल नहीं पाता, इसलिए हमने ये वाला किया था। लेकिन आज जो किया दिल खुश होटल, उसका नाम है दिल खुश होटल। आपने सुबह सुबह बाइसेप मारा है क्या? बाइसेप नहीं मारा भाई, मेरे को ना गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, मैंने ये एक शर्ट भी रखी हुई है। नहीं, वो तो ठीक है। हो गया क्या? अरे खतरनाक बड़ा लग रहा है। ओ भाई क्या बात है, एक्चुअली मेरे को गर्मी भी लगती है, और जब गर्मी में जाता हूँ मेरे को खारिश भी हो जाती है, इसलिए मैंने शर्ट भी रख लिया। कोको खिड़की अपने आप मत खोला कर यार, अभी नहीं जाना बाहर, अभी थोड़ी देर बाद। तो सुबह सुबह हमें फैजान भाई लेने आ गए थे अपनी एक्सपल्स पे, जिसमें उन्होंने डाली हुई रैली किट, बहुत ही बढ़िया लग रही है, हम भी डालेंगे भाई घर जाके अपनी एक्सपल्स में रैली किट ना। आजा
आओ चले। ये देखो आजा का, इसको सिर्फ कुछ नहीं समझ आता, इसको बोलो आजा और ऐसे जैसे तुम गोदी में उठा लो ना, उठाओ मत, चला के लेकर जाओ। मैं कहीं नहीं जाती। चलो दरवाजा बंद करके देखिए अभी। बाय कोको। बाय बाय। चक मारता भाई शीशे में। चलो एक बार आपको सिर्फ अपना रूम दिखा देते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधा बोटिंग करने के लिए। तो ये है अपना आलीशान सा रूम। रूम थोड़ा छोटा ही है, छोटा नहीं मतलब ठीक है, मीडियम है, लेकिन सबसे मेन चीज जो यहाँ से दिख रहा है डल लेक। सामने पूरी डल लेक नजर आ रही है, पूरी तो नहीं, उसका छोटा सा पार्ट, 10% पार्ट। एक रूम हमारा ये है, जो दूसरा रूम है ना वहां से एक अलग ही चीज दिखती है, वो भी दिखाता हूँ। वो देखो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं, सुबह सुबह यहाँ से तगड़ा ही व्यू आएगा, तगड़ा ही। और ये जगह मेहमानों के लिए रखी है, हालांकि हमारे घर मेहमान कोई भी नहीं आते, लेकिन फिर भी आएंगे तो यहाँ बैठ जाएंगे आराम से चाय पानी के लिए। चलो भाई अब बोटिंग के लिए चलो। बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, बोटिंग की तैयारी भाई। चप्पू मार रहे हो? चप्पू मार रहा हूँ। चले भाई चलिए। तो सीन ऐसा है ना, जब दिल्ली से निकला था ना, मैंने सोचा था कोको को नहला दूंगा जहाँ भी रुकूंगा, तो आज का दिन सोचा था कि आज के दिन स्टे लेंगे नहला देंगे, लेकिन ऐसा होता ना भागा दौड़ी वाला, सुबह सुबह खुद ही नहाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं नहाया हूँ। कोको को शाम को नहलाएंगे और गाड़ी को भी नहलाना है, दोनों को नहलाना है, कोको को शाम को, गाड़ी को देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो नहला देंगे। अभी सीन पता क्या हो रहा है, साइड वाला दरवाजा खोल रहे हैं ना, और जो फुटरेश बाहर आता है ऐसे आ रहा है, मिट्टी घुस गई उसके अंदर। आ रही है आवाज? नहीं आ रही। आ रही है ना? तो भाई अभी सीन ऐसा है, थोड़ा ना हवा में उड़ने का टाइम आ गया। वैसे तो लोग हमें कह ही रहे हैं तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो, लेकिन लोगों का कहने का क्या है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन अब असली में उड़ने का टाइम है, वो देखो उस पर। तो अभी जा रहे हैं एक बार चार्जिंग पता करके आते कितने चार्जेस हैं इसके और कितने ऊपर तक जाएगा, पता चले चार्जेस ज़्यादा और यहीं तक लेके जाए फिर फायदा नहीं। चार्जेस की दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा ऊपर तक लेके जाना कि पूरा कश्मीर दिखे तब मजा आएगा। जब्बरवान पार्क है ना ये, जब्बरवान पार्क, अगर आपको इस पार्क के अंदर भी एंट्री लेनी है तो 20 रुपए की टिकट है पर हेड। जब्बरवान असली माउंटेन रेंज का नाम है, इसकी वजह से इसका नाम जब्बरवान पार्क रखा हुआ है। हम लोग पेड़ वगैरह ढूंढते हैं ना छाव में बैठने के लिए, यहाँ बैलून की छाव में बैठे हैं। ऐसा लगता है कि महल के अंदर जो बनता है ना उसके अंदर, गुंबद के अंदर भी ऐसा रहता है ना। तो घर में रोटी बनाते हैं ना उसके लिए इतना सारा लाइटर होता है छोटा सा, अब ये बड़ा है तो लाइटर भी बड़ा है। हाँ। भाई जी कर दो काम। एक चीज और बताओ, जैसे ये चलाते हो तो इसमें आग लगने का डर नहीं होता? नहीं, ये जो कपड़ा है ना फायर प्रूफ है। ओके, ये लेटेस्ट है, ये मुझे भी नहीं पता था। मैंने कोको का पूछा, कह रहे कोको को आप लेकर जा सकते हो, लेके जाने में दिक्कत नहीं, लेकिन वो डरे ना। कोका कोला नहीं, छोटा सा डॉग है, डॉग का नाम है। वैसे नहीं डरेगा वो हाइट से, लेकिन ये फायर फ्लेम, ये फायर जब जलेगी ना आवाज निकलेगी तब वो डर सकता है। कोको का तो मना, अगर एक बारी में दो ही बंदे अलाउड है इसमें, रख लेना नीचे कपड़े में ढक के, आवाज से डरेगा। और एक बारी में दो ही बंदे जा सकते हैं ना? हाँ दो जाएंगे। मेरे को तो यहीं तक ही ऊंचा लग रहा है, बहुत ऊंचा चला गया। भाई अगर कोको ने ऊपर से सुसु कर दिया तो यार, क्योंकि टोकरी छेद वाली है ना, तो समझाना पड़ेगा नो सुसु। ओए भाई एक छाया कहाँ जा रही है? ऑटोमेटिक धूप में आ गए, गुब्बारे के साथ साथ चलेंगे। वो देखो वो छाया बैठे थे, छाया गायब एकदम से। तो अभी क्या सीन है ना, हमने क्या डिसाइड करा है, मैंने उनको बोला है, वैसे करे दो बंदे अलाउड है, मतलब तीन बंदे अलाउड कर दो, मैं पापा साहिबा एक बारी में चल जाएंगे, क्योंकि तीनों का वेट कम है, समीरन हमारे साथ नहीं जा पाएगा, भाई भी नहीं जा। भाई आपका वेट कितना है?
मेरा होगा 90 कह रहा हूँ 90-95 इतना इतना वेट है। और सेकंड बारी में मैंने सोचा था ये दोनों भाई जाएंगे, लेकिन भाई कह रहे मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे को हाइट लगता है, डर क्यों भाई, मैं जमीन पे ही खुश हूँ जितना मैं जमीन अरे इतना ऊपर थोड़ी जा रहा है ना, 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 हम फिर भी जमीन मैं नीचे से रस्सी भी नहीं काटने वाला नहीं नहीं हम जमीन से जुड़े होंगे, जुड़े रहोगे आप जैसे हम जुड़े हुए ना जमीन से, गुब्बारा भी जमीन से जुड़ा हुआ है। तो बाकी देखते अभी क्या प्लान करते हैं, पहले मैं पापा साहब और कोको को देखते लेकर जाना है नहीं लेकर जाना, क्योंकि इसका ना शोर बहुत ज्यादा है। कोको चलोगे घूमी घूमी ऊपर से देखोगे डल लेको भाई, अभी तो कह रहा चलूंगा देखेगा देखेगा, अभी रुको पहले आग का आवाज तो सुन लो बहुत तेज है। पहले जब आप आए थे कश्मीर ऐसा तो कुछ नहीं होता था, आज आप कश्मीर ऊपर से देखोगे। पापा को भी ना हल्का हल्का डर लग रहा है, जो बनी है देखो कुछ आए हो तो कुछ तो करोगे। चलो भी देखते हैं भाई कोको डरता नहीं डरता। बाय बाय, पापा का भी पहला एक्सपीरियंस, मेरा भी, इनका भी पहला ना। हॉट एयर बैलून फैला दो। चलो भाई बाय बाय, वेरी गुड, यहां से देखो। नहीं इससे मत डरो, काट लेने, अरे नहीं काटेगा भाई, भाई डर रहे हैं। भाई कोको बहुत ज्यादा डर रहा है। चलो बाय बाय, बोले 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 बोले। वो अब ऊपर आके लग रहा है तगड़ी हाइट आ गई है। अब दोनों से पूछा जाए किसको किसको डर लग रहा है, लग रहा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। डिफेंडर छोटी हो गई, डिफेंडर छोटी कर दी भैया आपने, हमारी निक्की सी लग रही है, हमारी गाड़ी बहुत छोटी हो गई है। हेलो समीरन, बोरा कोको, कोको है? कोको आजा, कोको है पापा। बढ़िया एक्सपीरियंस, बढ़िया मजेदार है ना, कैसा लग रहा भाई? सही है, लेकिन शोर बहुत है ना। देखो हर चीज के पॉजिटिव चीज भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ऊपर आना है तो आग तो लगानी पड़ेगी ना, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है ना, आग लगाते जाओ ऊपर चढ़ते जाओ, मतलब दुनिया की आग लगती है तो ऊपर जा रहे होते हो, ऐसा होता कि नहीं होता। जितने हमारे फैमिली के मेंबर है ना जो हमें इस टाइम देख रहे होंगे, वो हमें देख के खुशी हो रहे होंगे कि भाई एंजॉय कर रहा है, हमें भी करा रहा है। जितने सड़ने वाले होते होंगे ना, हम कुछ भी कर ले वो सड़ेंगे ही। और जैसे जैसे हम मूव करते रहते ना इधर उधर, ये गुब्बारे की जो छाया पड़ रही है ना परछाई, ये भी मूव होती रहती है, बंदे भी उसके हिसाब से मूव होते रहते हैं। अब जैसे इधर आ गए, अभी देखो वो छाया में आ रहे हैं, फिर थोड़ा गुब्बारा इधर हो जाएगा, वो छाया में आ जाएगा। कोको ऊपर तूने आना नहीं था, अब तेरे को भाग के हमारे पास आना है, जब ऊपर बुला रहे तब नहीं आया। ये देखो इसको, अब देखो क्या हो गया आजा कोको, जब इसको अंदर डाला ऐसा डर रहा था मेरे को, था कि भाई डर डर के अटैक डू की ना आ जाए, इसलिए इसको उतार दिया, रिस्क नहीं लेना। ओ, कोको को बच्चे मिल गए खेलने के लिए, और अभी समीर और मैं जा रहे हैं। कैसा लगता है ऊपर? मजा आता, पूरा वो दिखता है डल लेक ना, अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। अभी भी कह रहा हूँ चलना तो चल लो, वो हाथ ही जोड़ दिया उन्होंने तो, चलो अब गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, दो दो बारी। लो अभी आप लोग एंजॉय करो एक ड्रोन शॉट। लो सोचो भाई, एक ही दिन में आसमान में आके दो बारी व्लॉग बना रहा हूँ, पहले उनके साथ है अभी समीर के साथ, लेकिन एक नंबर चीज है भाई यार ना। हाँ तो एक बार को एक्सपीरियंस करना है इसको। आपने पहले क्या एक्सपीरियंस हवा में? ये पहली बार है मेरा। मेरा भी पहली बार है। हेलीकॉप्टर प्लेन में तो बहुत बैठे हैं, लेकिन ऐसे बैलून में नहीं बैठे। तो भाई का नाम भी आमिर है, मोहम्मद आमिर। तो भाई आपको पहले भी एक्सपीरियंस है या पहली बार? मेरा को है 3 साल का। 3 साल का एक्सपीरियंस। पहले तुम्हारा भाई बड़ा इजीली कर लेता था ये, लेकिन जब से लगी है ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर पूरा फॉर्म में आके दिखाऊंगा, दौड़ के दिखाऊंगा, लगे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लेंगे। चलो भाई बाय बाय। अब वापस आके अपने को अपनी डिफेंडर ना सेम साइज की लग रही है, ऊपर से लग रहा है माचिस की डिग्गी बना दी है, और वो भाई साथ ही आ गए जो उड़ा रहे थे ना, कह रहे भाई फोटो खिंचाऊंगा। मैंने ये मत बोला कि डिग्गी में बैठ के साथ ही जाऊंगा। हाँ तो अभी का सीन क्या है ना, पहले हमने सोचा था बोटिंग करते हैं, लेकिन अभी गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, 2 दिन पहले यहाँ तगड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मस्त वाली धूप निकली हुई है, तो बोटिंग का प्लान हमने शाम का कर दिया, 4-5 बजे करेंगे। अभी हम जा रहे हैं अहरबल, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया वाटरफॉल है जिसको मिनी नायगरा फॉल भी कहते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है, लेकिन वो पुरानी यादें हो गई ना, अभी दोबारा उसको ताजा करते हैं। आपने तो नहीं देखा ना पापा? नहीं, पापा को भी दिखेंगे, आपने भी नहीं देखा?
किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ भाई ने देखा, पीछे जो भाई बैठे ना सिर्फ उन्होंने देखा, उनको भी मैंने दिखाया था कश्मीर आके, इनको भी नहीं पता था कश्मीर ही रहते। मतलब यहाँ पर एक वाटरफॉल आपको दिखाऊं, कहना दिखाऊं, ये बस लास्ट वाला मजाक था, बाकी सब सही है। तो भाई ये जिस रोड से हम निकल रहे हैं ना, इसको कहते हैं ग्रीन टनल, क्योंकि ऊपर सब कुछ पेड़ ही पेड़ और ग्रीन ही ग्रीन है। सही है, हम लोग निकले ग्रीन टनल से। अटल टनल तो आपने बहुत बार देखी होगी, इस बार आपको दिखाइए ग्रीन टनल। तो हमने तो सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, हमारी गाड़ी नहीं कर पाई, इसका पेट्रोल ख़त्म है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, 77 किलोमीटर और चलेगी, तो हमने सोचा फुल करवा ही लेते हैं। कोको जीरो चेक करो बेटा। तो अभी आप देखोगे ना पेट्रोल पंप पे आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी, चारों तरफ से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई है, लाइन भी है पीछे। और ऐसा क्यों है ना, अभी हमने भाई से पूछा, यहाँ पर ना पेट्रोल की थोड़ी शॉर्टेज हो गई, हर पेट्रोल पंप पे प्रॉपर पेट्रोल मिल नहीं रहा, क्योंकि रास्ता बंद हो गया ना बीच में, 3 दिन तक गाड़ियाँ यहाँ पहुँच ही नहीं पाई, तो गाड़ियाँ आ रही होंगी अटकी होंगी, जिसकी वजह से पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है। तो हमें मिल रहा है, हमने फुल ही करवा लिया एक ही बार में, वैसे ही फुल करवाते हैं, लेकिन आगे भी कहीं मिलेगा ना रास्ते में 100-200 किलोमीटर चला के, तो वहाँ पर ही फुल करा लेंगे। क्या हुआ तेरे को? इसको भी पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अच्छा, मेन चीज सुनने वाली ये है कि आपने ये गलत चीज दे दिया हमें हाथ में, अभी आपके साथ नहीं जाएगा ये, हमारे साथ दिल्ली जाएगा। ले जाओ, कौन सी टेंशन? ठीक है, यही सुनना चाहता था, थैंक यू। जगह ही दिया है। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं पुलवामा, और यहाँ के भी अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर है, फैमिली है। जब हमने लास्ट मीटअप किया था ना श्रीनगर में, यहाँ से बहुत सारे भाई लोग आए थे कि हम पुलवामा से आए, ये पड़ता ना 30 किलोमीटर तो पड़ता होगा श्रीनगर से, है ना, इतनी दूर से आए थे सारे के सारे मिलने के लिए। और अच्छा लगता है कि दूर दूर बंदे बैठ के भी हमारी वीडियो देखते हैं ना। और यहाँ से 20-25 किलोमीटर और रह गया, आज आपको दिखाते हैं अहरवल, मतलब छोटा नायग्रा फॉल। तो वो आप सामने घर देख रहे हो, ऐसे घर यहाँ पर बहुत सारे हैं, और ये सारे वो आपने सुना होगा ना कश्मीरी पंडितों के घर, ये सब घर उनके हैं, ये देखो जो तोड़ दिए गए थे, जला दिए गए थे। सामने बादल देख क्या सही लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा बर्फ पड़ी हुई है। देखो आपके दोस्त जा रहे हैं। वो देखो इतने सारे दोस्त, ये बेहोशी में है, इतने रात को ज्यादा नशे कर लिए हैं। पहाड़ों के नशे, पहाड़ों की हवा के नशे। तो ये वही जगह है जहां हम कोको को बर्फ में दौड़ा रहे थे, यहाँ रील भी बनाई थी हमने एक। वो देख सामने ट्रक अंदर चला गया भाई। अगर आपको ये जगह याद है ना, ये एग्जैक्ट वही जगह जहां से हमने जिप्सी का यूटर्न मारा था, अगर आगे स्नो ही स्नो थी, जाने की जगह ही नहीं थी, ये ऑफ रोड से हमने यूटर्न मारा था, ये यहां से पूरा रास्ता बंद था, इतनी इतनी स्नो थी समीरन। हाँ। इतनी इतनी। अहरवल हम पहुंच चुके हैं, अभी आपको दिखाते हैं, ये रहा सामने अहरवल, रोड क्लोज्ड, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, ये बेचारी भी क्या करेगी वहां जाके फंस जाएगी। पानी देखो भाई कितना बढ़िया, और क्या सही फ्लो है, क्या सही वैली लग रही है। अभी आगे नहीं जा सकते जब तक इसकी स्टोरी नहीं बन जाएगी, बना लो बना लो, तुम भी बना लो। तो आपको मैंने बताया था ना अपना प्लान हो रहा है भाई दिल्ली से लंदन जाने का, तो दिल्ली से यहाँ तक तो आ गए, अब लंदन कैसे जाएंगे ऐसे। यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अरे सही है, लेकिन गाड़ी तो तुम्हारा भाई चलाएगा। बाय बाय, बस आ गया लंदन, पास में 2 किलोमीटर रह गया, बाय। इसको देखना भाई, जो इसको लग रहा है कि कहीं वो वाली डिफेंडर छोड़ के ये वाली बस ले जाओ और मैं यहीं रह जाऊं। मैं तेरे को बताऊं,
मैं ना अभी चाहूँ तो इस गाड़ी पे कब्जा कर सकता हूँ, कैसे दिखाऊँ? कोको गाड़ी पे कब्जा करेंगे, पीछे ड्राइवर भगा भगा दिए, ले जाओ गाड़ी तुम्हारी है, लगाओ इसको डिफेंडर पे डालो, इसकी गाड़ी पे भी इसको टायर चाहिए, इसको गाड़ी नहीं चाहिए, इसको सिर्फ टायर चाहिए आपकी गाड़ी का। चलो उस दिन जो बकरी के साथ घूम रहा था ना, इसमें बकरी की आत्मा आ गई, अब ये सिर्फ घास ही खाता है, देख लो खा रहा, लोगों को यकीन नहीं हो रहा भाई, देख लो भर भर के घास खा रहा, अब ये सारी घास खत्म कर देगा, शाकाहारी। भाई इसकी शक्ल देख लो ध्यान से, इसको आपने मेरे मीटअप पे भी देखा होगा, ये आमिर भाई का कजन ही है, और श्रीनगर में रह के अहरबल तक नहीं आया, मैं जब यहाँ आता हूँ देखने के लिए, मेरे को अच्छा लगता है, व्यू अच्छा है, पानी का साउंड बढ़िया आता है, ये भाई साहब इसको पहली बार मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कश्मीर के बंदों को मैं ही घुमाता हूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ पर ये जगह है देखो, सही बात है। तो पिछली बार जब मैं आया था ना यहाँ पर, ये डोर खुला हुआ था और यहाँ से पैदल आगे तक गए थे, इतनी रेलिंग भी नहीं थी, आज बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी है, टाइम के हिसाब से अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बना दिया इसको, तब यहाँ कोई भी नहीं होता था भाई, कोई भी नहीं, अब आपको दिखाते छोटा नायग्रा फॉल। मेन चीज आपको पता है यहाँ की क्या है, यहाँ से सिर्फ आप मोबाइल ही नहीं निकाल सकते, अभी देखो ये इसके लिए भी है, बाहर का आनंद लेना, अच्छे से देखना, ऐसे देखो फिर मुंडी वापसी बाहर निकाल दो। भाई कोको हमसे बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है, जहाँ रुकता ना भीड़ लग जाती है, और हम सबको ये कहते हैं भीड़ है, क्या है भाई ये? भाई तुमसे पूछ रहा हूँ क्या है ये? ये देखा आवाज भी निकाली, बस फर्क यही आवाज यहाँ से आई। अब हम भी कोको को उड़ाने वाले, अरे ऐसे नहीं उड़ाएंगे, मतलब उसको फील कराएंगे, आ जा कोको। नहीं उड़ना चाहता, दो मिनट रुक, है ना अच्छा लग रहा है ना, ये यूनिक आइडिया ना, पता नहीं अपने पैदा होते रहते दिमाग में। चलो चलो नानू, चलो 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 चल ऊपर है क्या, क्या बांध दिया सर पे, आइसक्रीम खाते ना, हाँ ले लो गाड़ी के साथ फोटो सेशन चल रहा है, फोटो सेशन विद आवर डिफेंडर, आज भी बाइक पे आए। ये देखो भाई क्या ही नजारा है, क्या ही नजारा, एक नंबर, कश्मीर में भाई व्यू की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक, व्लॉग चाहे ना 2 घंटे का ही बना दो। ठीक हो? सब बढ़िया, ठीक हो? कैसे हो? गाड़ी से जल्दी मोड़ के भी आ गए? रस्ते में सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं ना, अभी किसी को पता नहीं हम श्रीनगर पहुंच गए, व्लॉग हमारा एक दिन लेट चल रहा है, लेकिन अभी लोग गाड़ी से पहचान लेते हैं ना, और पूरे श्रीनगर में डिफेंडर कोई है भी नहीं है, एक ही घूम रही है वो हमारी है। लो भाई वापसी श्रीनगर तो पहुंच गए हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं ज़्यादा लेट हो गया, अंधेरा हो गया, सोचा था थोड़ा दिन में बोटिंग करेंगे, लेकिन हाँ बोटिंग करेंगे, और वो देखो साइड में बोट हाउस कितने सुंदर लग रहे हैं ना, वो वहीं से चल रहा है, कह रहा है इतना ऊंचा तो चढ़ा ही नहीं जाएगा मेरे से। चलो चलो चलो, दिन में तो बहुत बार ही घूमे शिकारा पे, आज नाइट राइड, चलो चलो कोको। ओ भाई उस बोट में कहाँ जा रहा था बे? कोको का बर्तन साथ लेकर आए हैं, अभी बॉइल चावल ढूंढ रहे हैं कहीं से मिलेगा, उसका चिकन, इसको पानी पीना, ये देखो ले पानी पी ले, बुद्धू बनाया खाली है, अभी लेते हैं पानी की बोतल, पीने को तो ये भी पी लेगा, लेकिन नहीं पानी की बोतल लेते हैं, वो इसको पिलाते हैं, और भाई क्या ही व्यू है, मतलब हमारा नहीं
सामने देखो लाइटें लाइटें बहुत ही बहुत आ रही। पहले मेरे को लगा था शिकारा में भी ना जिसपे हम घूम रहे हैं इसमें भी लाइट वाइट होती है, लेकिन वो कह रहे हैं अगर आपको लाइट चाहिए होती है एक दिन पहले बताना होता तो आपके हिसाब से लाइट लगा देंगे। मुझे ये चीज नहीं पता थी। देखो शॉपिंग मॉल आ गया, शॉपिंग मॉल शॉपिंग मॉल घूमते हैं ना, घूमते घुमाते आते कुछ लेना है तो आप खरीद सकते हो। अभी आएंगे, अंगूठी ले लो, चुन्नी ले लो, रिंग ले लो, हुक्का ले लो। क्यों डर रहा है? इधर जाता तो फिर नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। तैरना आता है तेरे को? नहीं आता ना, फिर तो डूबेगा। चप्पल तो उतार, ये देख लो डर के मारे चप्पल ही पहन के बैठ गया। अरे इधर पानी देखो कितना नजदीक है। तो पानी तो नजदीक ही होता ना, इधर नहीं है ना। तेरा बाहर ज्यादा है ना, तू पापा को इधर बैठा और तू इधर आ। आप देख सही हो गया ना, इधर भी वो कम। जा तू भी चढ़ जाओ ऊपर, जा जाओ पकड़ कर, इसको पकड़ कर, बेल्ट पकड़ कर किसकी, और इसको बैठा दो। हाँ बैठ जा, सीट 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 कोको। क्या किया था इसने अभी? पानी में छलांग मार दी। और पापा बैठे हैं शहनशाह बनके। शहनशाह वाली फील आ रही, नहीं आ रही? थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि भाई अभी रात की रोशनी तो ऐसी होती है। अब थोड़ा सही दिख रहा है। कैसा फील आ रहा है? बहुत बढ़िया। पहले 40 साल पहले जब आप आए थे, 45 साल पहले, तो ऐसे ही शिकारा होते थे तब भी? अच्छा आप भी रात को नहीं घूमे? मैं भी नहीं घूमा भाई, ये तो सेम टू सेम हो गया। ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, हेलो, सपनों में खो गए हैं तो शिकारे बैठ के छोटों को हेलो। ये नजारों के बजे ले रहे, इनको कुछ नहीं दे रहे, मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरा शेर है और मैं इसकी शेरनी। तू इसकी शेरनी? ये मैं राजा हूँ ना। हाँ और ये राजा कोई काट जाता है, ध्यान रखियो। हेलो शेर, देख पापा को भी तैरना आता है, साहिबा को भी आता है और मेरे को भी आता है। आता ना आपको? तेरे को ही नहीं आता। अब तू देख, मैं वो पकड़ लूंगा कोको को, तुम बचा लेंगे गुदी। क्या है? फिश टिक्का है। फिश टिक्का है, चिकन टिक्का है, चिकन टिक्का है, सीख कबाब। फिश बढ़िया है? हाँ बढ़िया। टेस्ट में टेस्ट करो, मजा नहीं आया ट्रिपल पैसा वापस लगाओ। पहले एक प्लेट टेस्ट करते हैं, पहले टेस्ट करेंगे उसके बाद कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। खरीद दर्जन है, खरीद दर्जन। तो पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। कोको कहीं नहीं जाएगा, कोको भी यहीं रहेगा। कोको का कोई भरोसा नहीं। फिर भी आ गया। अरे यहाँ कावा कॉफी आ गया, वहाँ चिकन। अरे कहाँ चली गई हमारी मछली भैया? थैंक यू भैया। तो भैया से हमने लाइट ले लिया है व्लॉग बढ़िया बनाने के लिए। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नीचे से ही आ रहा है, वो रोशनी फेंक रहा है सब जगह। एक बस सा फोटो खींचो हम तीनों का। इतना भी अच्छा नहीं आ रहा लाइट। तो अभी फोटो खींची है बीच में, पता ये कैसा लग रहा है? जैसे पांडा नहीं बिठा रखा होता बीच में, गोल मटोल था पांडा। यही साइड में फोटो भी दिख रही होगी आपको जो खींची है। नहीं नहीं पांडा ही होता है वो। एक्शन। ये है लाइट का कमाल, रात में भी रोशनी कर दिया। भैया ऑर्डर लिया था कांगी कॉफी, वो आ गया। ये यहाँ पर बड़ा मस्त सीन होता है, पहले एक बोट में ऑर्डर लेने आता है, कॉफी कोई और लेकर आता है ना, है ना। ये ऑर्डर लेने आए थे, अभी कॉफी आ रहा है पीछे से और ये मछली साथ साथ चल रहा है हमारा। ये हर्शीज वाला, ये समीरन का। ले भाई समीरन तेरा कॉफी, और ये मेरा है। तो वो आएगा क्या मछली? तो भैया आपने वीडियो तो देख ही ली होगी, तगड़ा सीन होते होते कांड होते होते बस बच गया, भगवान का शुक्र है। मुझे समझ में नहीं आया इसने ऐसा क्यों किया। कोको ने ना एक बोट से दूसरे बोट में छलांग मार दी थी, हमने बोला कहां जा रहा है, बाय चांस रस्सी साहिबा के हाथ में फंसी हुई थी और एकदम से वो रस्सी खींची ना ये पानी में चला गया। बाय चांस रस्सी ना पकड़ी होती ना और ये चला जाता अंदर, फिर तो पता नहीं क्या होता। वैसे तो कहते हैं डॉग वॉक को अपने आप तैरना आ जाता है, लेकिन इसको ना आता हो, आज तक हमने चेक भी नहीं करा कभी इसको, ऐसे पानी में डाला भी नहीं, अगर ना तैरना आता डूब जाता ये फिर शायद, पता नहीं क्या होता, मतलब मैं सोचना भी नहीं चाहता। और ऐसा इसने क्यों किया ये मेरे को नहीं पता। ये गुत्थी ना
हमेशा के लिए अनसुलझी रह जाएगी। ये दूसरी बोट पे कूदा ही क्यों जब हम वहाँ बैठे थे? तो या तो इसको लगा वो दोनों बोट एक ही है, यहाँ से वहाँ कूद गया। इसको लगा होगा ये पानी है नहीं क्योंकि अंधेरा था। हाँ, पानी हाँ, ये भी हो सकता है। इसको लगा पानी नहीं यार, ये वहाँ से पैदल पैदल चला ना, वहाँ पानी दिख रहा था, पता नहीं क्या इसको लगा। तो बस अभी यही सीन है, बाकी डर तो बहुत लगा था उस टाइम की ये भाई क्या ही कर दिया। फिर इसको पापा पकड़ के बैठे रहे या मैं पकड़ के बैठा रहा, हमने छोड़ा ही नहीं बिल्कुल। तो बाकी अभी अपने होटल जा रहे हैं और कल यहाँ से हम निकल रहे हैं श्रीनगर से। बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ निकल रहे हैं। जितने बंदे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता लग ही जाएगा, जितने बंदे नहीं फॉलो कर रहे वो बस यूट्यूब वीडियो का वेट करना, उनको यूट्यूब पे पता लगेगा। बस इतना ही, चलते हैं होटल। एक और आइडिया है, हाँ फॉलो कर लेना, यही है फॉलो कर लेना, पता लगता रहेगा। सब्सक्राइब भी कर लेना जितने बंदे यहाँ देख रहे हैं। तो ये दोनों तो पी रहे हैं चाय, मेरा मन नहीं था चाय पीने का, हाँ मैं पी रहा हूँ पानी। बाकी ठीक है, अभी हम बैठ के प्लान कर रहे हैं कि कल कैसे कैसे करेंगे, कहाँ जाना है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। पूरा प्लान कर लिया, आमिर भाई भी साथ में जा रहे हैं, आमिर भाई जा रहे हैं अपनी जिप्सी लेके, हम जा रहे हैं डिफेंडर लेके। फुल धूम मचाने वाले हैं, मतलब कल से असली आतंक मचने वाला है वीडियो में। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो आज की वीडियो में, भाई अपने को बहुत मजा है। पापा पुरानी यादें कुछ ताजा हुई नहीं हुई है ना, वो वाटरफॉल भी नहीं देखा था आपने? वाटरफॉल पापा ने पहली बार देखा, बोटिंग लेकिन पहले करी थी दिन में, अभी रात में करी है, फिश विश खाई। पापा बीच बीच में बहुत सारी चीजें बताते थे, पहले मैं यहाँ रहता था, यहाँ पर ऐसे किया वैसे किया, 20 दिन यहाँ पर रह के गए थे, उसके बाद आज आ रहे हैं। लेकिन बढ़िया था आज का दिन, बढ़िया भी था, थोड़ा डर भी गए थे जब कोको पानी में कूद गया था, लेकिन ठीक है भाई जिंदगी है, कुछ ना कुछ उथल पुथल तो मची रहेगी, स्मूथ भी चलती है और कभी कभार ऐसे हर्डल्स भी आ जाते हैं, तो चलता रहता है। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय, पानी पीते रहो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।